इटावा से जीवन यादव की रिपोर्ट। एसएसपी आकाश तोमर की सूझबूझ व रणनीति से मोस्ट वांटेड विकास दुबे का करीबी दुर्गा बहू व दुबे मुठभेड़ में हुआ ढेर। आप सभी को बताते चल रहे हैं कि पिछले दिनों जनपद कंट्रोल नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के गांव बिकरू में देर रात्रि शातिर बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर 8 पुलिस कर्मियों की मौत व लगभग एक दर्जन से अधिक पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका रीजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी को गंभीरता से देखते हुए जनपद इटावा के तेज तर्रार ईमानदार कर्मठ चर्चित युवा पुलिस कप्तान श्री आकाश तोमर ने अपराधियों को पकड़ने के लिए बहुत सख्त दिशा निर्देश देते हुए पुलिस को पहले से भी ज्यादा कर दिया था। इसी क्रम में आज सुबह लगभग 3 बजे थाना बटेगढ़ क्षेत्र अंतर्गत कस्बा महिवा के पास 4 स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा एक स्विफ्ट डिजायर कार संख्या DL1Z3602 को लूट लेने के संबंध में कंट्रोल रूम से प्रसारित सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के द्वारा थाना सिविल लाइन पुलिस ने कचौरा रोड पर पुलिस एवं बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उसके अन्य साथी भागने में सफल रहे। मृतक बदमाश की शिनाख्त प्रवीण उर्फ बहू व दुबे के रूप में हुई है, जो 5 लाख का इनाम या शातिर अपराधी विकास दुबे का साथी है, जिसका संबंध जनपद कानपुर नगर की घटना से सीधा संबंध है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित है। बदमाशों के कब्जे से एक पिस्टल, एक डबल बैरल और कई अन्य कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना स्थल पर मौजूद है एसएसपी श्री आकाश तोमर, COCPS एंड वैभव पांडेय, SOG प्रभारी सतेंद्र यादव। देखिए, आज सुबह 3 बजे पर थाना बकेवड़ से अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लूट कर भाग रहा था। उसको जब इंटरसेप्ट किया गया थाना सिविल लाइंस अंतर्गत कचौरा रोड पर, तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को काफ़ी सीरियस इंजरीज आई और अस्पताल में उसको डिक्लेयर डेड कर दिया गया है। और उसके पास से एक पिस्टल और एक DBBL गन भी बरामद हुई है। आइडेंटिफिकेशन इसका कानपुर पुलिस द्वारा बाद में किया गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम बउआ दुबे है और ये कानपुर वाली घटना में विकास दुबे का साथी था, उस घटना में इन्वॉल्व था और उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था।